Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the rest of the guidance services, that is counseling, placement and follow-up. I have already covered the guidance services, which are appraisal and information. Okay, so let's start. We have talked about what guidance is. अच्छा ये डायरेक्ट काउंसलिंग से शुरू कर दिया हमने, काउंसलिंग प्लेसमेंट एंड देन फॉलोअप आएगा, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट काउंसलिंग से शुरू है क्योंकि पिछले ही वीडियो में मैंने आपसे बात की कि गाइडेंस क्या होता है, कौन सी विशेष गाइडेंस सर्विसेज हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं गाइडेंस के, और उसमें से भी अप्रेजल क्या होता है कि व्यक्ति के बारे में आकलन करके टेस्टिंग और नॉन टेस्टिंग टेक्निक से उसके बारे में एक सही सही चित्र प्रस्तुत करना और फिर उसको सूचनाएं देना, अगर उसको एजुकेशन से रिलेटेड, वोकेशन से रिलेटेड और पर्सनल, अगर उसको जो जो भी रिलायबल यूजेबल उसको सूचना देना गाइडेंस सर्विस है. देन काउंसलिंग, ये एक स्पेशल टाइप का गाइडेंस है. आप जानते हैं कि जब हम स्पेसिफिक हो जाते हैं तो वो काउंसलिंग हो जाता है. दिस सर्विस इज द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द गाइडेंस प्रोसेस. द पर्पस ऑफ इट इज टू असिस्ट द स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट. उनके सर्वांगीण विकास के लिए, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में ये सहायता है देता है. इट अलाउज द इंडिविजुअल टू डिस्कस देयर प्लान्स एंड प्रॉब्लम्स विद द प्रोफेशनल और काउंसलर इन ए हेल्पिंग एनवायरनमेंट. और ये जो काउंसलिंग सर्विस है वो ये अनुमति देती है कि जो इंडिविजुअल है या जो स्टूडेंट है वो अपने प्लान्स, अपनी समस्याएं डिस्कस कर सके किसके संग, जो एक प्रोफेशनल हो जिसने काउंसलिंग के लिए ट्रेनिंग ली हो, या काउंसलर के साथ एक हेल्पिंग एनवायरनमेंट में जिसका मकसद ही ये होगा कि हम इंडिविजुअल की हेल्प करना चाहते हैं. दिस प्रोसेस अल्टीमेटली मेक्स अ पर्सन केपेबल ऑफ सेल्फ डायरेक्टिंग एंड सेल्फ सफिशिएंट. और इस प्रक्रिया के बाद होता क्या है, अल्टीमेटली अंततः क्या होता है कि जो व्यक्ति इंडिविजुअल या स्टूडेंट है वो इस योग्य हो जाता है कि वो अपने आप को समझ सके, अपने आप को स्वनिर्देशित कर सके कि हमको इस दिशा में जाना है, स्व अपने आप को सहायक समझे, सफिशियंट समझे अपने आप को. दिस सर्विस कैन बी प्रैक्टिस ओनली बाई ए काउंसलर. ये बात बार बार हो गई कि जब हम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को अपने क्लाइंट के संग डिस्कस करेंगे तो वो सिर्फ एक काउंसलर ही कर सकता है. उसके लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड. फिर अगर हम मैकिंडे की डेफिनेशन को पे ध्यान दें तो इन्होंने 1984 में कहा कि काउंसलिंग क्या है. इट इज पार्ट ऑफ द टोटल प्रोसेस ऑफ गाइडेंस व्हिच इज हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू अचीव द सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ डायरेक्शन नेसेसरी टू मेक अ मैक्सिमम एडजस्टमेंट एट स्कूल्स, होम एंड कम्युनिटी. यानी कि आपके घर में, विद्यालय में, समुदाय में आप मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो सके, मतलब कोई दिक्कत ना आए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये इसका मूल उद्देश्य है. However, some assistance can also be provided by the teacher in a school. और थोड़ी बहुत सहायता, अगर नॉर्मल कोई दिक्कत है, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको टीचर भी सॉल्व कर लेता है स्कूल में. क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा समय आपके साथ बिताता है. दिस इज बिकॉज अ टीचर इज द वन हु स्पेंड्स मैक्सिमम टाइम वर्किंग विद द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम. तो वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन से बच्चों के बारे में कई चीजें टीचर भी बता सकता है और हेल्प कर सकता है. ठीक है. फिर when the teacher comes across any student who displays deviant behaviors, देखिए थोड़ा बहुत तो सभी बच्चे शरारती हैं, सभी बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है. अगर छोटे लेवल पे बात की जा रही है, अगर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी है तो दूसरी तरीके की प्रॉब्लम है, तो नॉर्मली थोड़ी प्रॉब्लम सभी डिस्प्ले करते हैं. लेकिन अगर कोई डेवियंट बिहेवियर शो कर रहा है, बहुत विचलन है उसके व्यवहार में, विचलित व्यवहार है उसका, तो हमको मतलब टीचर को स्कूल काउंसलर को रेफर कर देना चाहिए कि आप काउंसलर से मिलिए. फर्दर ऑब्जर्वेशंस मेड एंड रिकॉर्डेड बाय द टीचर अबाउट सर्टेन स्टूडेंट्स कैन हेल्प द काउंसलर इन द काउंसलिंग प्रोसेस. और जब आप उसको काउंसलर के पास भेजिए तो काउंसलर को आपने जो भी ऑब्जर्वेशन उसके बारे में किया है, जो भी आपने रिकॉर्ड उसके बारे में रखा है वो दे दीजिए, ताकि काउंसलर को समझने में मदद हो वो केस क्या है उस इंडिविजुअल के साथ दिक्कत. द काउंसलिंग सर्विस इंक्लूड्स इंडिविजुअल काउंसलिंग एंड ग्रुप काउंसलिंग. ये आपसे डिस्कस हो चुका है जहां टेक्निक्स एंड अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग डिस्कस किया गया. काउंसलिंग सर्विस इज कंसर्न विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. और ये उद्देश्य है काउंसलिंग देने के, क्या? द क्लैरिफिकेशन ऑफ द काउंसली सेल्फ कंसेप्ट थ्रू ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन विच इट इज अबाउट एटीट्यूड्स, अचीवमेंट एंड पर्सनल ट्रेट्स. यानी कि सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, जो हमारे पास काउंसली आया है, जो क्लाइंट आया है, उसका सेल्फ कंसेप्ट क्लैरिफाई करना है आपको. यानी कि आपको उसके बारे में ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना बायस उसमें इंक्लूड नहीं करना है, आपको उसको सटीक बताना है कि आपका ये एटीट्यूड है, ये अचीवमेंट का लेवल है और ये आपके पर्सनल ट्रेट है, तो ताकि वो अपने आप को खुद को बेहतर समझ सके. फिर
हम्ब्रेक सेटल ने 1954-1970 में काउंसलिंग को डिफाइन किया कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल इन मेकिंग इंडिपेंडेंट चॉइसेस दैट आर रियलिस्टिक एंड इफेक्टिव इन गारंटीइंग सेटिस्फेक्शन। यानी कि हमको क्या करना है, आपको पता ही है कि काउंसलिंग भी डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव होती है। तो जहां नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है, यानी कि हम उसको डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ उसके सामने सही चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि वो अपने बारे में खुद से निर्णय ले सके। देखिए, जब जनरली जब हम खुद निर्णय लेते हैं तो हम उसके लिए किसी को दोष नहीं देते हैं, लेकिन हमको जब कोई कहेगा कि ऐसा कर लो और वो बिगड़ गया तो फिर हम उसको दोषी बना देंगे। इसलिए जनरली ये सोचा जाता है, चाहा जाता है काउंसलिंग में कि आप उसको रिलायबल इंफॉर्मेशन दे के, उसके बारे में सही रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव बात बता के उसका मतलब निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग आप उसी पर छोड़ दीजिए ताकि वो स्वतंत्र निर्णय ले सके और सही निर्णय ले सके। ठीक है, ये दो बार हो गए। प्लेसमेंट सर्विस, प्लेसमेंट सर्विस में यानी कि अब हमने आपको काउंसिल भी कर दिया, हमने आपको सही इन्फॉर्मेशन भी दे दी, आपका अप्रेजल भी कर चुके हैं, अब हम क्या करें, आपको प्लेसमेंट चाहिए ना, क्योंकि आप जॉब के लिए आप आए हैं जनरली हायर एजुकेशन में। तो द प्लेसमेंट सर्विस मेक्स एन एफर्ट टू हेल्प दोज स्टूडेंट्स सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हु आर आइदर इन स्कूल और हैव लेफ्ट द स्कूल, या तो वो स्कूल में है या कॉलेज में है या वो छोड़ चुके हैं, उनको आपको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए या बेहतर जगह प्लेस करने के लिए प्लेसमेंट सर्विस बनाई जाती है। द स्कूल प्रोवाइड सर्टन फैसिलिटीज थ्रू विच द एम्प्लॉयमेंट नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेट, आइदर थ्रू स्पेशल प्लेसमेंट पर्सनल और बाई इंटीग्रेशन सर्विसेज ऑफ द अदर गाइडेंस पर्सनल। यानी कि स्कूल जनरली ऐसा करते हैं, ये फैसिलिटी उनके यहाँ होती है कि उनके पास कोई स्पेशल प्लेसमेंट पर्सनल हो या कई गाइडेंस पर्सनल मिलके अपनी सर्विसेज बच्चों को दें, विद्यार्थियों को दें, जिससे उनकी रोजगार संबंधी समस्याएं आवश्यकताएं पूरी हो सके। दिस सर्विस इज मोर सिग्निफिकेंट फॉर द स्टूडेंट्स एट ऑल द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे ये प्लेसमेंट सर्विस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्राइमरी लेवल पर बच्चों को जनरली प्लेसमेंट नहीं चाहिए। द प्लेसमेंट सर्विस हियर इज कंसर्न विद दोस, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे बच्चा नौकरी में नहीं जाएगा, पढ़ाई पूरी करके जनरली सेकेंडरी में जाएगा, लेकिन सेकेंडरी के बाद प्लेसमेंट चाहिए होता है, जिनके पास कोई आर्थिक दिक्कत है हायर सेकेंडरी के बाद चाहिए होता है ना। तो द प्लेसमेंट सर्विस हियर इज कंसर्न विद दोस किन किन से नाता रिश्ता है, सरोकार है प्लेसमेंट सर्विस का, हु विथड्रॉ फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन बिफोर दे कंप्लीट स्कूल ड्रॉप आउट, मतलब जिन्होंने पूरी फॉर्मल एजुकेशन नहीं पाई है लेकिन उनको चाहिए कि कुछ कुछ काम कर सकें, हु प्रिफर्स पार्ट टाइम वर्क व्हाइल गोइंग टू स्कूल और मे बी ड्यूरिंग वेकेशन आफ्टर स्कूल आवर्स और ड्यूरिंग वीकेंड्स, कुछ ऐसा भी हो सकता है। चूंकि देखिए ये सारा कुछ सिर्फ भारतीय परिप्रेक्ष्य का नहीं है, पश्चिमी भी इसमें दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कौन करता है कि वीकेंड में किसी को जॉब चाहिए हो या छुट्टियों में कोई नौकरी करना चाहे या कोई एम्प्लॉयमेंट करना चाहे या पार्ट टाइम, लेकिन पश्चिमी देशों में आपको पता है कि ये सब रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं। एंड हु टर्मिनेट्स फॉर्मल एजुकेशन आफ्टर कंप्लीटिंग सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन जो कंप्लीट कर चुके हैं और उनको एक प्लेसमेंट मतलब एक जॉब चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए फाइनेंशियल उनके लिए। ओके, देन प्लेसमेंट सर्विस असिस्ट स्टूडेंट्स टू एंटर इनटू फर्दर एजुकेशन, अ न्यू क्लास, अ न्यू सब्जेक्ट और ऑक्यूपेशन। तो प्लेसमेंट देखिए सिर्फ जॉब के लिए नहीं हो सकता है, किसी बढ़िया आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी आपका प्लेसमेंट हुआ ना, मतलब फर्दर एजुकेशन के लिए, किसी नई क्लास के लिए, किसी नए विषय के लिए या किसी नए व्यवसाय के लिए, सबके लिए प्लेसमेंट सर्विस दी जाती है। इट इज अ सेलेक्टिव असाइनमेंट ऑफ ए पर्सन इनटू ए पोजीशन डिजाइंड टू हेल्प पर्सन टू बी इन पोजीशंस फॉर व्हिच देयर प्लान्स, इंटरेस्ट, स्किल्स, एप्टीट्यूड्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर सूटेड। किस तरह से आपको हम प्लेसमेंट देंगे, हमको गाइडेंस पर्सनल ने बता दिया है कि आप ये हैं, ये आपका इंटरेस्ट है, ये एप्टीट्यूड है, ये आपकी एबिलिटी का लेवल है, इतने आप मोटिवेटेड हैं, तो उस मतलब आपके जो योजना है, आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी रुचि क्या है, कौशल किस में है, अभी क्षमताएं आपकी क्या है और फिजिकल एक्टिविटीज आप कितनी कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा जो उसको सूट करे। The basic aim of placement is to facilitate the process of meeting the needs of both the employer and the prospective employee. और जो employer है, जो चाहता है, जिसको जिसको अपने यहाँ भर्ती करनी है employees की, और जो employee है, उन दोनों की needs को facilitate करे, ये placement का काम होना चाहिए। The student should be included in the placement service only after the correct and appropriate information regarding him or her has been obtained from the counselor or in the in charge guidance personnel. यानी कि जिसको भी placement चाहिए उसके संग पूरा record भी दिया जाएगा कि भाई ये बच्चा है, ये विद्यार्थी है, इतने उसके मार्क्स हैं, इतना उसका ये इंटरेस्ट का रिजल्ट है, इंटरेस्ट इन्वेंटरी का, ये एप्टीट्यूड लेवल है, अगर उस पे टीचिंग एप्टीट्यूड या कुछ एप्टीट्यूड लगाए गए हैं, म्यूजिकल एप्टीट्यूड जो भी है, उस हिसाब से उसको प्लेसमेंट दिया जाएगा। ये नहीं कि किसी को भी कहीं भी प्लेस करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। द इंफॉर्मेशन दैट इज जनरली मेड अवेलेबल इज हिज और हर बायोडेटा हो सकता है, उसका अचीवमेंट के ग्रेड्स होंगे, उसकी अटेंडेंस बताई जाएगी, उसका टेस्ट स्कोर बताया जाएगा, हेल्थ डेटा और सब कुछ दे के
आप काउंसलर के पास जाएंगे या काउंसलर को दिया जाएगा, वो आपकी प्लेसमेंट के लिए सही आपको ऑप्शंस बता देगा कि आप यहाँ यहाँ जा सकते हैं. द टीचर मे ऑल्सो असिस्ट बाई प्रोवाइडिंग डिटेल्स कंसर्निंग द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट्स एंड अदर स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन इन वेरियस स्कूल एक्टिविटीज. टीचर भी आपको प्लेसमेंट के लिए गाइड कर सकता है कि आपका उसने देखा है कि आप कितना स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है और रुचियां क्या है. तो वो भी कह सकता है कि आप बहुत अच्छा, देखिए आपका कम्युनिकेशन स्किल है तो आप मास मीडिया जर्नलिज्म में चले जाइए, या बहुत वेरियस स्कूल एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप इस तरीके का कुछ आर्ट कल्चर ड्रामा में चले जाइए. तो ये तो इतना टीचर भी बता देता है. फिर फॉलो अप एंड इवेल्युएशन सर्विसेज. अब देखिए हमने आपको सब कुछ कर दिया, प्लेस भी कर दिया, लेकिन हम उसके बाद आपको चेक भी करेंगे ना कि हमने सही प्लेसमेंट आपको दिया है कि नहीं. A guidance worker who does not assess the progress made by his or her student is like a physician who does not verify whether his or her patient has recovered or not. देखिए डॉक्टर के पास भी जब हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर हमको जब एक हफ्ते की दवा देता है तो वो कहता है ना एक हफ्ते बाद बताना कि आराम हुआ कि नहीं. ऐसा नहीं कि बस दवा देकर छोड़ दिया. उसी तरह से ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट देके आपको छोड़ देना, आपको ये चेक भी करना है कि बच्चा वहाँ स्टूडेंट इंडिविजुअल वहाँ मतलब एडजस्ट कर गया कि नहीं, वो उसके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं. तो एक पीछे से फॉलो अप लिया जाता है कि हमने जो बताया वो सही बताया कि नहीं. तो कुछ उन्होंने फॉलो अप रिसर्च और इवेल्युएशन सर्विसेज. इवेल्युएशन भी यही होगा कि हमने इवेल्युएट किया कि जो हमने किया वो सही किया कि नहीं, उसका वो वर्दी है कि नहीं, मूल्य परख रहा कि नहीं. तो इसका उद्देश्य क्या क्या है, एसेंस क्या है इसका, टू इम्प्रूव काउंसलिंग सर्विसेज. मान लीजिए हमको लगता है कि हम सही प्लेसमेंट नहीं कर पाए तो हम सुधारेंगे कहाँ गलती हो गई हमसे. टू डिवाइज न्यू काउंसलिंग टेक्निक्स, कुछ नई काउंसलिंग टेक्निक को डिवाइज करने के लिए. टू रिवील द स्टेट इफेक्ट एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्निक्स इन काउंसलिंग, अगर कहीं कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है उसको पता लगाने के लिए. टू एड इन ऑब्टेनिंग क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, टू लर्न द मेजर एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोग्रेस, कितना व्यक्ति ने उन्नति किया ये जानने के लिए. टू डिटरमाइन एरियाज ऑफ पॉजिटिव एडजस्टमेंट एंड एरियाज दैट नीड फर्दर एडजस्टमेंट, हमको ये पता चलेगा कि अच्छा यहाँ यहाँ तो पॉजिटिव रहा, सब बढ़िया रहा, यहाँ पे हमको थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए और काम करने की जरूरत है. तो ये सब हमको फॉलो अप से ही पता चलेगा. और मैकिंडे ने 1984 में कहा है कि थ्रू दीज सर्विसेज नोटेड दैट द इफेक्टिवनेस ऑन द और द फेलियर ऑफ द एंटायर गाइडेंस प्रोग्राम कुड बी अप्रेज्ड. तो आप फॉलो अप लेने के बाद आपको पूरे गाइडेंस प्रोग्राम का आप अप्रेजल कर सकते हैं कि वो सही रहा या उसमें कुछ कमी रह गई. इट हैज बीन नोटेड दैट फॉलो अप सर्विसेज आर नेसेसरी फॉर द काउंसलर टू एस्टैब्लिश द नेचर एंड एसेंस ऑफ काउंसलिंग एंड डिटरमाइन द एरियाज ऑफ लाइफ दैट नीड फर्दर एडेप्टेशन. और इसमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें फर्दर एडेप्टेशन की जरूरत है और अनुकूलन करने की जरूरत है, कहीं कुछ कमी रह गई और सुधारा जा सकता है. सॉरी गला खराब है थोड़ा सा. ठीक है, तो इस तरह से गाइडेंस सर्विसेज आपकी कंप्लीट हुई आपके कोर्स में. अप्रेजल, इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग, प्लेसमेंट और फॉलो अप एंड इवैल्यूएशन है. तो इस तरह से और गाइडेंस, गाइडेंस सर्विसेज, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, ये सब कवर हो चुका है. काउंसलिंग में पहले ही कवर कर चुकी हूँ. तो इस तरह से मेजर आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गया. और मैंने आपसे वो भी शेयर किया कैसे मेजर टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग ना, जिसमें कि कैसे इंटरेस्ट नापा जाएगा इंटरेस्ट इन्वेंट्री से, एप्टीट्यूड कैसे नापा जाता है, अचीवमेंट आपका इंटरेस्ट सॉरी क्या इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी और क्रिएटिविटी तो पहले ही डिस्कस किया जा चुका है. तो इस तरह से आप अपना गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पोर्शन तैयार कर लीजिए. ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.